Electrolytic cell designing and working. In this lecture we will learn about the electrolytic cell, how is it made and how does it work, right? So first of all, we will learn about the electrolytic cell. So an electrolytic cell is composed of two electrodes suspended in an electrolytic solution. They are connected to a battery. Electrolytic cell jo hota hai, do electrodes pe mushtamil hota hai aur dono electrodes एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सस्पेंडेड होंगे और दोनों इलेक्ट्रोड्स एक बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे, राइट? अब इलेक्ट्रोड्स क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोड्स आर मेटालिक प्लेट्स, वायर्स आर रॉड्स थ्रू विच द करंट इंटर्स आर लीव द इलेक्ट्रोलाइट इन अ सेल. इलेक्ट्रोड्स हम उन मेटालिक प्लेट्स को या वायर्स को या रॉड्स को कहते हैं, ठीक है? दीज आर जस्ट मेटल्स. कोई भी मेटालिक रॉड हो, कोई भी मेटालिक प्लेट हो जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद होता है, ठीक है? और विच हेल्प्स द करंट टू इंटर एंड लीव द इलेक्ट्रोलाइट. किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो करंट एक्सचेंज होता है, करंट जो जाता है टू द सॉल्यूशन या बाहर आता है फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये मूवमेंट ऑफ करंट जो है ये विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड होगा, राइट? ये इलेक्ट्रोड क्या है? दीज आर जस्ट मेटालिक रॉड्स या मेटालिक प्लेट्स या मेटालिक वायर्स, सही है? अब इलेक्ट्रोड्स जो हैं दो तरह के होंगे. एक को हम कैथोड कहेंगे. सो द इलेक्ट्रोड बाय विच इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स द सॉल्यूशन आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड सर्व्स एज अ कैथोड. अब वो इलेक्ट्रोड जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर दाखिल होते हो, बिकॉज यू नो करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर दाखिल होते हो, ठीक है, और ये किस चीज के साथ कनेक्टेड हो? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, राइट? तो ये एज अ कैथोड सर्व करेगा. तो कैथोड वो इलेक्ट्रोड होगा जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा और इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के जरिए सॉल्यूशन में दाखिल होंगे. एनोड क्या है? द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वेयर द इलेक्ट्रॉन्स लीव द सेल सर्व्स एज अ एनोड. एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं, छोड़ते हैं सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन से बाहर जाते हैं, ठीक है? और ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, ठीक है? ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. देखें, इसमें आपके पास एक कंटेनर है. कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन मौजूद है. इस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे. एक इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है जो कि ऑन द पैसेज ऑफ करंट स्प्लिट होता है इंटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि पैसेज ऑफ करंट से स्प्लिट होता हो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं. ये जो टैंक है इसको इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हम कहेंगे कंटेनर को, राइट? ये वो दो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटालिक रॉड्स हैं जो कि इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं. ये बैटरी है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड अटैच है उसको हम एनोड कहेंगे. जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो अटैच है उसको हम क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे, सही है? जब ये कनेक्ट होंगे तो यहां पर स्प्लिटिंग होगी इलेक्ट्रोलाइट की. पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनेंगे तो जो पॉजिटिव आयन होगा कैटायन वो किधर जाएगा? वो कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है? और जो एनायन है नेगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी एनोड की तरफ जाएगा, सही है? मजीद इसका पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है? सो इट कंटेन्स आयंस प्रोड्यूस बाय द स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन ऑफ द डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट. जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, जो यहां पे ये जो सॉल्यूशन जिसमें ये कैटायन और एनायन आपको नजर आ रहे हैं, इसमें क्या है बेसिकली? इसमें ये वो सॉल्यूशन है जो कि डिसोसिएट हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर मौजूद हो जिसमें डिसोसिएशन ऑफ आयंस होता है ऑन द पैसेज ऑफ करंट. द पॉजिटिव आयंस कॉल्ड कैटायंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. इसमें जो पॉजिटिव आयंस होंगे जिसको हम कैटायंस कहते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव होता है यानी कैथोड उसकी जानिब वो जाएंगे, जबकि द नेगेटिव आयंस कॉल्ड एनायंस मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड एज एनोड. और एनायंस एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि यू नो एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है? कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव कैथोड की तरफ जाएंगे, राइट?
वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब ये केटायन केथोड की तरफ क्यों जा रहे हैं, एनायन एनोड की तरफ क्यों जा रहे हैं, सही है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सो ये वर्किंग में अब हमने पढ़ना है, व्हेन द करंट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द एनायंस मूव टूवर्ड्स द एनोड वेयर दे गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रोड, दिस ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। एक्चुअली ये याद रखें कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं। अब एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि जब किसी आयन के साथ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, उसने अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, ठीक है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसके साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एनायन जब एनोड के पास जाएगा, ठीक है, तो वहां पे ये अपने इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो एनायन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जब एनायन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो वो एनायन न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। तो एनोड में जो स्टार्ट में हमने पढ़ा कि यहां से इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं, छोड़ते हैं सॉल्यूशन को, तो क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि एनायन आता है और एनोड पर अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, वही इलेक्ट्रॉन एनोड के जरिए आउट ऑफ द सॉल्यूशन जाते हैं थ्रू द बैटरी एंड एक्सटर्नल सर्किट, फिर कैथोड उसको वापस रिसीव करता है। ऑन द अदर हैंड द केटायंस मूव टूवर्ड्स द कैथोड, अब जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर एनायन ने छोड़े हैं वो थ्रू आउटर सर्किट मूव करते हैं और केथोड पे वो दोबारा आ जाते हैं, तो केथोड चूंकि उन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, सही है। सो केथोड पर आपके पास क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि अब इस पे इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए हैं केथोड पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सिस पे अब मौजूद है, तो केटाइन्स जो सॉल्यूशन के अंदर अब मौजूद हैं, तो सॉल्यूशन से केटाइन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो अब केथोड की तरफ जाएंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ, और वहां से वो इलेक्ट्रॉन को वापस लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज केटायन जब केथोड के पास जाएंगे तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और न्यूट्रल बन जाएंगे। तो इस तरह एक सर्कल वो चलता रहता है, एनायन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड को देता है, थ्रू आउटर सर्किट वो केथोड तक पहुंचते हैं, वहां पे वापस वो केटायंस को दे जाते हैं। तो केथोड के पास, केथोड पे आपके पास क्या होगा, रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए आपने एक सिंपल सा टर्म्स इन में रखना है, रेड केट, रेड केट, रिडक्शन एट केथोड, तो रिडक्शन हमेशा केथोड पर ही होगी, सही है। तो रिडक्शन एट केथोड, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन एट एनोड होगा, तो रेड केट आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। द टू ऑफ सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द टू इलेक्ट्रोड्स आर एज़ फॉलोज, जो दो रिएक्शंस होंगे, एनोड पे आप देखें तो एनोड पे जो एनायन है ये एनोड पे जाएगा, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, एक्स माइनस वन यहां पे एनोड कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो एनायन एनोड पे जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, एक एक्स के साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो दो एक्स के साथ दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेंगे, तो एक्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा ये, सही है। तो एनोड पे एनायन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इससे बन जाता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया। फिर केथोड पे जो केटायन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर इसने एनायन ने लॉस किए हुए हैं वही इलेक्ट्रॉन केथोड पे केटायन गेन करेगा और एक न्यूट्रल एटम में या मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम रिडक्शन कहेंगे बिकॉज दिस इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल जब हम रिएक्शन लिखेंगे, नेट रिएक्शन क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, टू एक्स माइनस प्लस एम प्लस टू ये आ जाएगा और एक्स टू प्लस एम ये आ जाएगा, ये नेट रिएक्शन आपके पास होगा। तो एनायन आपके पास वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वंस अगेन अगर आप इसको देखें तो यहां पे दीज आर द एनायंस जो कि एनोड की तरफ जाते हैं, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करते हैं, यूं आते हैं थ्रू द बैटरी और आउटर सर्किट जो भी यहां पे मौजूद हो, कोई भी चीज, ठीक है, जिसको करंट की जरूरत हो, तो यहां से फिर इलेक्ट्रॉन वापस बैटरी में आते हैं, राइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आते हैं, केथोड इसको गेन करता है, यहां पे जो केटायन है ये वापस
के तौर से वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, तो दोबारा जब डिसोसिएशन होगी फिर एनायन कैटायन बन जाएंगे, तो कैटायन इधर आएगा, एनायन उधर जाएगा, तो इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क। जी कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ओके, थैंक यू।